लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मक्खनपुर से फिरोजाबाद दवा लेने आ रही महिला को कुछ लोगों ने मारी गोली। जी हां, गंभीर अवस्था में फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत गंभीर देखते हुए आगरा रेफर किया गया। फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर की इंदुमयी निवासी नीलम फिरोजाबाद दवा लेने जा रही थी, तभी अचानक हाईवे पर उसको गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में नीलम को ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने हालत गंभीर होने के कारण आगरा के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने नीलम को गोली मारी है। गोली मारने का कारण पुरानी रंजिश है। कुछ दिन पहले नीलम को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और गांव के ही कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ये तुम्हारे कौन लगते हैं? कौन लगते हैं? गांव के हैं। दीदी मर गए, मम्मी मारी क्यों, गोली मारी क्यों? पता नहीं, कोई लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, कोई बात हुई हो? पता नहीं, हमारा आदमी तो 5 साल से अंदर है। क्या नाम है तुम्हारा आदमी का? क्या नाम क्या है इनका? नंबर रखा नाम क्या है? नीलम नाम है। किसने गोली मारी है? गांव के ही लोगों ने मारी है। क्या वजह, क्या पिछली रंजिश की वजह से बचती रंजिश थी? रंजिश की वजह क्या रही? रंजिश की वजह पता, पिछला एक गांव का एक वो मर गया, उसकी वजह से इसके हस्बैंड को जेल भेज दिया। उस दिन गई है, 2-3 दिन पहले परसों जेल में गई है, तो जिसके मारा है उसके लड़के ने इससे कहा कि तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और बस आज परसों की बात है और आज इसको गोली मार दी। कहाँ मारी थी? घर पे के बाहर? सड़क पे, हाईवे पर। ये क्या करने जा रही थी? ये दवाई लेने जा रही थी, इसकी तबीयत खराब थी और ये दवाई लेने जा रही थी। किस तरह का मामला था और किस तरह की उसकी हालत थी? देखिए, एक महिला जिनका नाम नीलम था और पति का नाम राम नरेश, इंदुमयी थाना मक्खनपुर की रहने वाली है। इन्होंने बताया कि इनकी इनको गोली मारी गई है और जो अभी आई है, पीठ पर एक घाव है, काफ़ी गहरा घाव है, और अभी जो स्थिति थी उनकी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उनका पूर्ण रूप से प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको सघन उसके लिए ऐसे मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया। देखिए, ये तो अभी सारी चीज़ें मेडिकल जांच के बाद और इस सब के बाद कंफर्म होगी, अभी कहना सही नहीं है। बहरहाल काफ़ी गहरा और बड़ा घाव था।